प्रभु ने कैसे गिरिराज जी का पूजन करवाया और जो इंद्र अपनी पूजा कराता था वहां गिरिराज ने खुद की पूजा कराई। एक रूप में कृष्ण खुद पूज रहे हैं और एक रूप में पूज रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि मेरा देवता ऐसा है कि वो खुद आकर के भोग को स्वीकार करेगा। इंद्र कभी तुम्हारे भोग को स्वीकार करने आए, इसलिए मेरा देवता ऐसा है कि स्वयं भोग स्वीकार करेगा। आज ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा की और गिरिराज जी की तलहटी में गिरिराज जी को 56 भोग लगाए। जब गिरिराज जी को महाराज 56 भोग लगाए गए, अब तो यह बात इंद्र को पता चली कि हमारी पूजा बंद करके आज ब्रजवासियों ने एक गिरिराज कोई देवता है उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। अब बोले गोविंद भगवान की। बिहारी जी इधर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने आदेश दिया अपने मेघों को, जाओ और जाकर के ब्रज में इतना जल बरसाओ, इतनी जल वृष्टि करो कि सारा का सारा ब्रज बह जाए, तहस नहस बर्बाद हो जाए। अब तो महाराज इंद्र के मेघों ने आकर के ब्रज में बरसा शुरू कर दी। जोर जोर से बादल महाराज जोर जोर से बादल बिजली तड़कने लगी, ब्रजवासी मन में घबराने लगे। हे कृष्ण मैं क्या करूं, तुमने ये क्या कर दिया, इंद्र की पूजा बंद करा के तुमने अच्छा नहीं किया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तुम्हारे कहने पर हमने गिरिराज की पूजा प्रारंभ कर दी और अब इंद्र ने जल वृष्टि प्रारंभ कर दी, हमारी रक्षा कौन करेगा। गोविंद कहते हैं ब्रजवासियों घबराओ नहीं, घबराने की कोई जरूरत कोई आवश्यकता नहीं, जिसकी हमने पूजा करी है वही हमारी रक्षा करेगा। वास्तविक में जिस भगवान की हम शरण में जाते हैं, जिस परमात्मा की शरण में जाते हैं, वही हमारी रक्षा करता है। अगर विश्वास हो तो सब कुछ होता है। आज मेरे गोविंद कहते हैं हे ब्रजवासियों, उसी ब्रज में गोवर्धन की तलहटी में सभी लोग चलो, वही गिरिराज महाराज हम सबकी रक्षा करेंगे। अब तो ब्रजवासी सभी एकत्रित होकर के गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गए। मेरे कन्हैया ने क्या किया, पर्वत को उठा करके अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण कर लिया। महाराज पर्वत को धारण किया और सभी ब्रजवासियों से कहा इसी पर्वत के नीचे गिरिराज महाराज के नीचे इनकी शरण में आ जाओ। जितने भी महाराज ब्रजवासी थे सभी गिरिराज महाराज की शरण में आ गए। आज गिरिराज भगवान स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हैं। इंद्र के मेघों ने इतना जल बरसाया, इतना जल बरसाया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब तो इंद्र ने सोचा कि ब्रज तो बह गया होगा, अपने मेघों को आदेश दिया और अपने सैनिकों से कहा कि जाकर के देखो ब्रज में कितनी तबाही हुई। दूतों ने जाकर के देखा तो ब्रज में तो महाराज धूल उड़ रही, एक बूंद पानी नहीं, ब्रज में धूल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। इंद्र ने सोचा इतना जल बरसाया, यहां तक कि जल के भंडारे भी खत्म हो गए, लेकिन ब्रज में एक बूंद भी जल नहीं। जल गया तो आखिर कहां गया। महाराज एक कथा आती है कि एक समय की बात है कि भोले बाबा और मैया पार्वती जी एक साथ में बैठे हैं। मैया पार्वती जी ने कहा कि स्वामी
मैं एक ब्राह्मण को भोग ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। बोले बाबा बोले मैया तुम कुछ भी करो लेकिन ब्राह्मण के चक्कर में काहे पड़ रही हो और कुछ करा लो। मैया पार्वती बोले नहीं नहीं हम तो ब्राह्मण को भोग कराएंगे। वर्ष में वास्तविक में एक बार ब्राह्मण को भोग कराना चाहिए। बोले बाबा ने कहा नहीं मानती तो कोई बात नहीं जा करके देखते हैं कोई ब्राह्मण मिलते हैं तो उनको लेकर के आते हैं। आज भोले बाबा ने क्या किया ब्राह्मण की तलाश में निकले तो रास्ते में अगस्त मुनि मिल गए। अगस्त मुनि रास्ते में मिले तो महाराज भोले बाबा ने निमंत्रण का आग्रह किया कि हे महात्मन मेरी अर्धांगिनी की अति इच्छा है सो आप जाकर के चल करके हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें। अगस्त मुनि ने कहा कि हम भी तपस्या से भूखे हैं क्योंकि तपस्या करते रहे पहाड़ों में पर्वतों में हमको भी भूख लगी। हम भी सोच रहे थे कोई जजमान मिले तो पेट पूजा हो जाए। भोले बाबा अगस्त मुनि को साथ में लेकर के आते हैं और मैया पार्वती को आदेश देते हैं कि हे पार्वती महात्मन को भोजन कराओ। मैया को थोड़ा अहंकार आ रहा कि हम तो अन्नपूर्णा मैया हैं हम जगत को खिलाती हैं तो महात्मा को खिलाना कौन सी बड़ी बात है। भोले बाबा ने कहा कि रुको मैया आपका घमंड आपका अहंकार अभी समाप्त होगा। अब तो मैया भोग बना रही है और अगस्त मुनि खाते जा रहे हैं। धीरे धीरे महाराज 7 दिन व्यतीत हो गए रात दिन हो गए। इधर मैया बना रही है इधर अगस्त मुनि पाते जा रहे हैं। अब तो मैया ने कहा कि कम से कम पानी तो पियो बीच बीच में पानी तो पियो। अगस्त मुनि कहते हैं बीच आए तब तो पानी पिए और कम से कम इतना तो हो ही जाए जो थोड़ा बहुत पेट में हो जाए तभी तो लोग जब खाना खाते थोड़ा बहुत हो जाता तभी तो पानी पीते हैं। अब वो कह रहे पेट में तो भी ऐसा भी नहीं लगता सुबह का नाश्ता किया हो अभी पेट में कुछ महाराज हुआ भी नहीं आप कह रही हो पानी पियो। अब मैया जमाती जा रही हैं और बाबा जीमते जा रहे हैं। धीरे धीरे 27 दिन बीत गए महाराज मैया अन्नपूर्णा बनाती जा रही और अगस्त मुनि पाते जा रहे हैं। मैया को लगा कि हम इन महात्मन का पेट नहीं भर पाएंगे ये कोई लीला कर रहे हैं। आज भोले बाबा से हाथ जोड़े कि आज के बाद कभी हम ऐसी हट नहीं करेंगे। हे स्वामी कोई उपाय बतलाइए जिससे इन ब्राह्मण का पेट भर जाए इनकी भूख शांत हो जाए और अगर भूखे उठ गए तो ये श्राप भी दे सकते हैं। महाराज भूखे नहीं रहने चाहिए। ओले बाबा ने बिहारी जी का ध्यान किया। बिहारी जी ने बताया कि हे देवों के देव महादेव आप जाकर के एक तुलसी का दल रख दो और तुलसी का दल अगस्त मुनि ग्रहण करेंगे उनका महापूरण हो जाएगा। और जो तुलसी का दल रखा मुनि ने तुलसी का दल ग्रहण किया तुरंत बोल दिया महापूरण। महाराज वृंदावन में जब पंक्ति लगती है महात्मा लोग भोग पाते हैं तो अगर एक भी महात्मा ने खड़े होकर कह दिया महापूरण तो जल तो आएगा लेकिन भोजन देने कोई नहीं आएगा। ये नियम है महापूरण तभी बोला जाएगा जब सभी महात्मा भोजन कर लेंगे। अंत में एक महात्मा खड़ा होगा महापूरण उसके बाद सिर्फ पानी आएगा अन्न वस्तु में नहीं परोसी जाएगी। आज अगस्त मुनि ने कहा कि महापूरण तो भोले बाबा ने कहा कि अब पानी पिलाना चाहिए। अब तो घड़ा भर के लाते हैं महाराज और पिलाते हैं। अगस्त मुनि कहते और जल लाओ और जल लाओ। महाराज पिलाते पिलाते कई दिन हो गए। अब भोले बाबा ने फिर से प्रार्थना करी हे बिहारी हे गोविंद कुछ ना कुछ दया करो। तो गोविंद भगवान ने कहा कि हे अगस्त मुनि आप अभी पानी ना पिए मैं जब गिरिराज भगवान की लीला करूंगा और इंद्र जल वृष्टि करेगा और जितना भी जल आएगा वो जल सारा का सारा तुम स्वयं पी लेना। आज वही जल अगस्त मुनि अंजलि लगा करके पी गए इसलिए ब्रज में एक भी बूंद जल नहीं गिरा सारा का सारा जल अगस्त मुनि स्वयं पी गए। महाराज
अब तो मेरे कन्हैया अपनी कनिष्ठा उंगली पर गिरिराज भगवान को धारण किए। मैया यशोदा ने कहा, अरे ओ मंशका, अरे ओ श्री दामा, सखा ग्वालो, मेरा लल्ला अकेले गिरिराज पर्वत को उठाए हुए है, अरे तुम थोड़ा बहुत तो सहारा दो। मंशका श्री दामा बोले, अरे कैसी बातें करते हो, हम तो तुरंत सहारा दे दे। अब कन्हैया उठाए हैं तो हमें टेंशन भी नहीं, जब तक उठाए तब तक उठाए। और कन्हैया से बोले, कन्हैया जब तुम थक जाओ तो हमें बता देना, हम उठा लेंगे। कन्हैया ने कहा, उठा लोगे? बोले हाँ। तो कन्हैया बोले कि लगाओ अपना अपना जोर। आज ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठियां लगा ली गिरिराज पर्वत में। और कन्हैया से कहा, अब तो तुम हट जाओ, हम पर्वत को धारण किए रहेंगे। कन्हैया जी मुस्कुराने लगे, बोले सच में धारण कर लोगे, इतना भार सहन कर लोगे? श्री दामा कहता है, तुम क्या समझते हो, तुमने अगर मक्खन खाया तो हमने क्या छाछ नहीं पी? तुम्हें अगर मक्खन की ताकत है तो हम भी छाछ पीते हैं महाराज, हटो तुम। कन्हैया ने जरा सी उंगली टेढ़ी की, पर्वत डगमगाने लगा, सबकी लाठियां चट 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 करके महाराज टूट गईं। अब तो महाराज मंशका कहता, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, नहीं तुम दब जाएंगे। कन्हैया ने कहा, क्यों, तुम तो कह रहे थे हम भी छाछ पीते हैं। अब कन्हैया ने पर्वत को धारण किया। मंशका कहने लगा, हे गोविंद, हम इतने ग्वाल बाल ब्रजवासी मिलकर के पर्वत को नहीं उठा पाए, तुमने ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम गिरिराज को उठाए हो? मेरे गोविंद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहा, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, माखन को, क्योंकि कन्हैया माखन खाते, हो सकता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन बढ़ गया हो, ताकत बढ़ गई हो महाराज। अब तो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। जो गोपियां नित प्रति भगवान का भजन करती हैं, उस भजन की सहायता से कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो। महाराज राधा जी की कृपा से गिरिराज को उठा लिया। आज गोपी ग्वाल कन्हैया का बहुत ही सादर वंदन अभिनंदन करते हैं। अब तो भगवान पर दया भक्त करते हैं, भक्त पर दया भगवान, क्योंकि जब तक भगवान को भक्त ना माने तो भगवान कहने वाला कौन होगा? जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? अरे जिस सीधा समझो, जिस नेता की जनता नहीं तो काहे का नेता? क्यों, जिस नेता की कोई जनता नहीं काहे का नेता, और जिस भगवान का कोई भक्त नहीं काहे का भगवान? अब तो कन्हैया का सुंदर सा मुखड़ा देख करके मेरे ग्वाल बाल मोहित हो गए, गोपियां मोहित हो गई। और इधर इंद्र को पता चला कि ब्रज में तो एक बूंद भी जल नहीं गिरा। इंद्र को लगा कि हमसे बड़ा कोई देवता आ गया है, हमसे बड़ा कोई देवता आ गया है। आज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर के हाथ में वज्र लेकर के भगवान की ओर आया, और भगवान पर जो ही वज्र का प्रहार किया, वज्र का प्रहार महाराज ने सफल हो गया, प्रहार रहा ही नहीं। अब तो इंद्र घबराने लगा, इंद्र समझ गया कि ये कोई नहीं, स्वयं नारायण है, और नारायण से युद्ध करना देवताओं के भी बस में नहीं है। भगवान से अगर कोई लड़ सकता है तो उनका भक्त, भक्त के अलावा भगवान से कोई नहीं लड़ सकता। महाराज मैया यशोदा कन्हैया के पीछे डंडा लेकर के दौड़ती है, छड़ी लेकर के, वो कन्हैया डर के भागते हैं, कांपते हैं। वो परमपिता परमेश्वर जो अपनी जना सी भृगुटी टेढ़ी कर दे, प्रलय आ जाए, और आज वह मैया की डांट पर थरथर कांप रहा है।
सिर्फ भक्तों से डरता है, किसी से नहीं, क्योंकि भक्त से प्राण से प्यारे हैं। कि मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मुकुट की मणि पता है महाराज कहाँ लगती है? यहाँ पर शिखर पर। भगवान कहते भगत मेरे मुकुट मणि, जो मुकुट में मणि लगती है उस स्थान पर हमारे भक्त हैं, और मैं तो भक्तों का दास हूँ। कि भक्तन का जन तजी द्वारिका, और बैकुंठ बिसरायो। भक्तन ने मोको नाना भांति नचायो। भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान। भगत के बस में है भगवान, 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 के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। हो भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान। भगत के बस में भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है।